नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीपी प्लस के डीवीआर के बारे में। सीपी प्लस के डीवीआर हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं अपने लैपटॉप या पीसी से, मतलब उसके जो कैमराज रहते हैं हम उसे कैसे लाइव एक्सेस कर सकते हैं हमारे लैपटॉप या पीसी पे। इसके लिए हमें सबसे पहले मेक श्योर करना है कि हमारा जो लैन कनेक्शन है वो ठीक है या नहीं, और उसके लिए हमें एक सेटिंग भी करनी पड़ती है डीवीआर में। डीवीआर की सेटिंग दोस्तों हमें सबसे पहले ये करनी है कि सबसे पहले हमें जाना है डीवीआर में, हमें राइट क्लिक करना है और जाना है मेन मेन्यू में। मेन मेन्यू में जाने के बाद दोस्तों आपको सिंपली नेटवर्क पे क्लिक कर देना है। सेटिंग में ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सेटिंग में जाने के बाद नेटवर्क, और नेटवर्क में जाने के बाद आपको चूज़ करना है इंस्टॉल। इंस्टॉल में जाने के बाद दोस्तों आपको ये वाला जो स्टेटस है वो आपको लाइव दिखना चाहिए, ठीक है। अगर ये आपको लाइव नहीं दिख रहा तो आप एक बार अपने राउटर और जो डीवीआर के बीच में लैन कनेक्शन है वो चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे कि हमें लैपटॉप में क्या सेटिंग करनी है और कौन सा सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करना है। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरु कृपा इन्फोटेक में। सबसे पहले तो हमें डाउनलोड करना है एक सॉफ्टवेयर KVMS Pro, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा दोस्तों। यहाँ से हम ये कर लेते हैं डाउनलोड ऑरेंज, और मैं इसे डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर देता हूँ सीधा। ओके, देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, अब ये डाउनलोड हो गया है। अब हम जानेंगे कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है। सबसे पहले तो ये फाइल में कर देता हूँ एक्सट्रैक्ट। ये देखिए इधर आ गई है, इसे हमें कर देना है इंस्टॉल। नेक्स्ट, इसे भी नेक्स्ट। ये इंस्टॉल हो जाएगा, कभी कभी थोड़ा टाइम लेता है बट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हो गया है, अभी इसे फिनिश कर देता हूँ मैं यहाँ से। यहाँ से मैं ओपन कर देता हूँ, इंस्टॉल हो गया है। इसे अभी हमें खाली एक पासवर्ड सेट करना है। ये जो पासवर्ड है दोस्तों ये रहेगा अपने सॉफ्टवेयर के लिए, ये आप कुछ भी आपके हिसाब से सेट कर सकते हो। और एक बात, इसे ऑटो लॉगिन पे छोड़ दीजिए ताकि आपको बार बार पासवर्ड ना डालना पड़े। ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे, ताकि आप पासवर्ड भूल जाओगे तो आप आसानी से इसको रिसेट कर पाओगे। सबसे पहले हम इसे एक्सेस करेंगे लोकली, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे ऑनलाइन करना है इसके सीरियल नंबर के थ्रू, ताकि आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्लिक कर देना है ऑटो सर्च पे। जैसे आप ऑटो सर्च पे क्लिक कर देते हो दोस्तों, आपका जो भी DVR NVR है वो इधर शो हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करके इसको ऐड कर देना है। ऐड कर देने के बाद यहाँ पे आपको फिल कर देना है आपके DVR या NVR जो भी आपके पास है उसका यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। और इसे कर देना है ओके। जैसे आप इसे ओके कर देते हो, देखिए स्टेटस ऑनलाइन आ गया, मतलब अभी आप इसे सिंपली एक्सेस कर सकते हो आपके पीसी और लैपटॉप से। यहाँ पे सारे कैमरा दिखाई दे रहे हैं। एक कैमरा इसमें से हम कर देंगे ओपन, देखिए आ गया। अब हम इसे ऑनलाइन करेंगे इसके सीरियल नंबर थ्रू। पहले आपको क्लिक कर देना है ये ऐड वाले ऑप्शन पे, फिर यहाँ पे हमें चेंज करना है मेथड टू ऐड वाला ऑप्शन। इसे सीरियल नंबर पे डाल देना है, और फिर यहाँ पे डिवाइस नेम डाल देना है। इसे ऑनलाइन GI कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले। और यहाँ पे फिल कर देना है आपके DVR या NVR जो भी आपके पास है उसका सीरियल नंबर, और यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देना है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यूज़र नेम एडमिन, और यहाँ पे मेरे DVR का पासवर्ड डाल देता हूँ मैं, और इसको कर देता हूँ ऐड।
देखिए अभी इधर ऑफलाइन है पर ये ऑनलाइन आ जाएगा। कभी कभी टाइम लगता है, देखिए आ गया। ठीक है अभी आ गया है DVR ऑनलाइन। और ये अपना लोकली कनेक्शन है ऊपर वाला, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये ऑनलाइन थ्रू हमने किया है। एक बार दोनों में आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, इसे मैं फिट टू स्क्रीन ये कर देता हूँ ताकि मुझे प्रॉपर दिखाई दे इमेज। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसी सॉफ्टवेयर से हम कैसे देख सकते हैं प्लेबैक आपके DVR या NVR जो भी आपने इसमें ऐड किया है उसका। उसके लिए आपको सिंपली एक ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, ये प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे मुझे आना है न्यू में। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन है प्लेबैक, प्लेबैक पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डिवाइस के ऊपर क्लिक कर देना है, जो भी कैमरा का प्लेबैक आपको देखना है वो कैमरा सिलेक्ट कर देना है। नीचे आप देख सकते हो टाइम और डेट है, जो भी टाइम और डेट का आपको देखना है प्लेबैक वो सिलेक्ट कर दीजिएगा। और आप सिंपली सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप सर्च कर सकते हो जो भी आपको देखना है प्लेबैक। बहुत आसान है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको आती है कोई भी दिक्कत DVR ऑनलाइन करने में तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद।